गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मॉर्निंग हो रही है और मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह। आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल अपना संसार। आज मैं लेकर के आई हूं बहुत ही सरल तरीके से बनाने के लिए कुछ। जी हाँ, आज मैं चीज़ बनाने जा रही हूं। हम लोग अक्सर चीज़ खरीद करके मंगाते हैं, क्योंकि जब भी घर में बनाते हैं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और वो बढ़िया नहीं बनता, अक्सर मेरे से भी ख़राब होता है। लेकिन बहुत दिनों की प्रैक्टिस के बाद में मैंने जो निकाला है कि कहाँ क्या कमी होती है, तब हमारा मजेदार चीज़ ख़राब होता है। तो चलिए हम बनाते हैं। मैंने लिया है दूध 1/2 लीटर। ये 1/2 लीटर एकदम कच्चा दूध है और इसे हम गर्म करेंगे। इसे कितना गर्म करना, अगर आप ज़्यादा गर्म कर दोगे तो ये पनीर बन जाएगा। ये तब कभी भी चीज़ नहीं बनता है और हम यहीं पर गलती कर जाते हैं। अगर आप नॉर्मल से ज़रा सा गर्म रखेंगे, बस सिर्फ इतना कि जैसा नॉर्मल हीट होता है, हल्का सा बस उतना ही गर्म करना होता है। अगर आपने ज़रा भी गर्म कर दिया, ज़रा भी ज़्यादा गर्म हो गया, तो आपका चीज़ उतना बढ़िया नहीं बनता है। तो बस मेरा दूध गर्म हो गया और ये मैं ले रही हूँ विनेगर, वाइट विनेगर लीजिएगा। इससे बहुत अच्छा पनीर मजरोला चीज़ फटता है। चलिए अब हम दूध को फाड़ते हैं। दूध को बस इतना ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही हल्का, जैसे कहते हैं ना कि बस हल्का सा गर्म, तो बस हल्का सा गर्म करना है, बल्कि गर्म नहीं करना, नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर रखना है। बस आपका इतना बढ़िया चीज़ बनेगा ना कि आप खुद सोचोगे कि अरे ये तो इतना सरल तरीके से बन गया। और ये थोड़ा सा जब नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो ये थोड़ा सा लेट होगा, क्योंकि अगर आप गर्म में डालोगे तो तुरंत फट जाएगा और पानी पानी अलग हो जाएगा। आप यही देखेंगे अभी कि इसमें एकदम से पानी नहीं छोड़ता है और ये धीरे धीरे जो आपका चीज़ है धीरे धीरे इकट्ठा होगा। ये देखिए इस तरीके से आप देख रहे हैं, बहुत हल्के हल्के से धीरे धीरे से ये फट रहा है। और यही इसका मेन होता है कि अगर आप ज़्यादा भी गर्म होगा आप डाल देंगे तो तुरंत का तुरंत ये अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा और दूध अलग हो जाएगा। लेकिन जब आप रियल में चीज़ बनाएंगे और आपका दूध एकदम से सही परफेक्ट गर्म होगा, तब ये धीरे धीरे करके दूध आपका पानी से अलग होगा, आपका चीज़ जो है वो तैयार होगा। आप देख रहे हैं किस तरीके से हल्का हल्का सा अलग हो रहा है। और आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये बनता है इतना बढ़िया कि आप जैसे ही गर्म करोगे ना एकदम से पिघल करके बहने लगेगा, इतना बढ़िया है तैयार होता है। इस तरीके से तो सच बता दें मैंने भी नहीं बनाया था। मैं भी बनाती थी तो थोड़ा सा गर्म करती थी और बना लेती थी, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं आती थी जो एकदम परफेक्ट बने। फिर मैंने कोशिश की इसको इस तरीके से बनाने की। मैंने तो एक बार ट्राई किया, उसके बाद में जब ये एकदम परफेक्ट बना और मुझे ये पता चला कि यहाँ कितना गर्म करना है, तब मैं आप लोगों के सामने ये लेकर के। और देख रहे हैं आप किस तरीके से धीरे धीरे मैंने 3 चम्मच डाला है विनेगर, और देख रहे हैं आप कितना बढ़िया सा धीरे धीरे अलग होता जा रहा है दूध जो हमारा चीज़ है। और ये चीज़ इतना स्पंजी होता है, इतना बढ़िया होता है कि सच में आप खाने के बाद में कहोगे कि वाह, इतना बढ़िया तो कभी भी नहीं तैयार हुआ था। और देख लीजिए अब मैं डाल भी नहीं रही हूँ और ये धीरे धीरे सारा चीज़ हमारा अलग हो रहा है। बस इसी तरीके से ये देखिए अब इसका पानी अलग हो चुका है और जो हमारा चीज़ है चीज़ अलग हो गया है। ये देखिए जी, बहुत बढ़िया तैयार होता है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो आप सच में आपको यकीन नहीं होगा कि इतना सरल तरीके से बनता है और इतना बढ़िया बनता है। आइए हम इसका जो एक्स्ट्रा पानी है निकाल देते हैं, ताकि जो हमने विनेगर डाला है उसे भी इसको क्लीन करना है। तो हम इसको इस तरीके से प्रेस देते हुए दबाएंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है सारा निकल जाए और हम पनीर को इकट्ठा भी करते जाएंगे, ताकि जो भी पनीर हमारे रह गया है बर्तन में वो सारा इकट्ठा, सॉरी चीज़ जो रह गया है वो इकट्ठा हो जाए।
और आप देख रहे हैं कितना बढ़िया, कितना स्पंजी है, हाथ में लेते ही इधर उधर निकल रहा है। तो इस तरीके से हम निचोड़ देंगे इस पानी को सारा। जब तक कि पानी निकलेगा हम इसे प्रेस करते रहेंगे ताकि पानी पूरा निकल जाए। ये देखिए पानी इसका निकल गया है, देख रहे हैं आप कितना बढ़िया, कितना स्पंजी। अब आइए हम दूसरे पानी में डाल देते हैं। एकदम नॉर्मल पानी है, मैंने अभी ठंडा पानी नहीं लिया है। और हम इसको इस तरीके से दबाते हुए थोड़ा सा निकालेंगे पानी को, ताकि हमारा जो विनेगर हमने डाला है उसका खट्टापन बिल्कुल निकल जाए और हमारा चीज़ एकदम बढ़िया सा रहे। देखिए कितना पानी सोख कर लेता है, कितना बढ़िया से ये इतना अच्छा बना हुआ है। आपको इस तरीके से कोई नहीं बताएगा जैसा कि मैंने बताया है, क्योंकि मैंने इसे बहुत अच्छे से ट्राई किया है, कई बार बनाया है। जब ये एकदम परफेक्ट बना है उसको मैं 2-3 बार बनाने के बाद फिर आपके पास लेकर के आई हूँ, ताकि जो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई। ये देखिए आप देख रहे हैं, जैसे ही आप गर्म करेंगे ना ये इतना बढ़िया पिघलता है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि आपने कोई लिक्विड चीज़ डाल दी हो। और इतना ज़्यादा फैलता है, इतना ज़्यादा स्पंजी होता है कि पूछिए मत। बहुत बहुत ही अच्छा बना। जब हम बाहर से चीज़ लेकर के आते हैं उसमें तो एक टेबलेट होता है, वो डाल करके वो इस तरीके से बनाते हैं ताकि खूब खींचे और बहुत अच्छे से पिघले। लेकिन हमने इसको घर में बनाया और इतने सरल तरीके से बनाया। मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही थी कि मैं बिल्कुल परफेक्ट बना लूं, और अब ये देखिए निचोड़ गया। अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे और ठंडे पानी में इसको थोड़ा सा घुमाएंगे ताकि ये इसका जो विनेगर है वो अच्छे से निकल जाए। तो हमने 2-3 पानी में इसको निकाल लिया है और आप देख रहे हैं ये कितना बढ़िया सा है एकदम। अब पानी में इसको धुल करके फिर निचोड़ देंगे ताकि इसमें जितना पानी अंदर जाएगा वो उतना विनेगर को निकालता जाएगा। तो ये एकदम साफ हो चुका। अब मैं इसे रख दे रही हूँ लगभग 2-3 घंटे फ्रिज में, और ये 2-3 घंटे फ्रिज में रखने के बाद में इस तरीके से तैयार हुआ है। आइए हम आपको दिखाते हैं कितना बढ़िया सा कद्दूकस होता है। आप इसे कट करके डाल दीजिए या कद्दूकस से आप करके डालिए। ये देखिए आपका मजरूला चीज़ तैयार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये वाकई में ऐसा बनता है नहीं बनता है, और ये परफेक्ट बना है या नहीं बना है। अगर आपने ट्राई किया कभी इस तरीके से और आपने भी बनाया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे चीज़ में कोई कमी है तब भी आप कमेंट करके हमें सुझाव ज़रूर दें। बिल्कुल इस तरीके से देखिए ऐसे खिंचता है ना, एकदम से अलग और बढ़िया।